हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल दीतास ढाबा। दोस्तों, आज मैं कुछ मॉकटेल्स बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही इजी हैं और उनके लिए ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं है। बट उनका जो लुक है, जो टेस्ट है, वो एकदम बहुत ही रिच है और आप उनको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं मॉकटेल्स। क्यूमिन सीड्स पाउडर, सम ब्लैक सॉल्ट, मिंट पाउडर, लेमन जूस, 1 स्पून चॉप्ड एप्पल, सम ग्रीन मिंट लीव्स, 1 बिग स्पून खस सिरप, सम लेमन स्लाइस, आइस क्यूब्स, पाउडर शुगर, प्लेन सोडा, थम्सअप, ग्रीन एप्पल सोडा। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं मॉकटेल्स अपनी। सबसे पहले मैं एप्पल मॉकटेल्स बना रही हूँ, जिसके लिए हमें एक ग्लास में आइस क्यूब डालनी है। ये देखिए, ये मैंने 5 से 6 क्यूब्स आइस के इसमें डालनी है। और अब इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून लाइम जूस डाल रही हूँ और 1/4 ब्लैक सॉल्ट, 1/4 टेबल स्पून। बहुत थोड़ा जीरा पाउडर, लगभग 1/4 स्पून और थोड़ा सा मिंट पाउडर डाल रही हूँ, 1 चुटकी। और ये जो हमने चॉप्ड एप्पल लिए थे उनको डाल रही हूँ। और बस अब ये हम अपना एप्पल सोडा जो है, ग्रीन एप्पल सोडा, उससे इसको फिल कर देंगे ग्लास को। थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं, जिससे जो हमारा ब्लैक सॉल्ट है और जीरा पाउडर है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा एप्पल मॉकटेल रेडी। मॉकटेल बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए फिर से एक ग्लास लेंगे, उसमें कुछ आइस क्यूब डालेंगे, और ये 2 पीसेस मैं लेमन की डाल रही हूँ इसमें, जो इस तरह से आप साइड में लगाइए, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। और कुछ मिंट लीव्स डाल रही हूँ। आप सिंपल इनको हाथ से ऐसे तोड़कर डालिए, ताकि इसमें जो इसका फ्लेवर है वो अच्छे से ग्लास में आ जाए। अब थोड़ा सा 1/4 ब्लैक सॉल्ट, 1/4 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून पाउडर शुगर, एंड 2 टेबल स्पून इसमें हम लेमन जूस डालेंगे, क्योंकि हमारा मिंट लेमन मॉकटेल है। और बस अब सोडे से इसको फिल कर देंगे। और अब 1 स्पून से इन सबको हम मिला देंगे। और 1 लेमन स्लाइस से इसको डेकोरेट कर देंगे और इस तरह से 1 स्ट्रॉ में डाल देंगे। देखिए, देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है ये, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, एकदम फ्रेश कर देगा ये आपको। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बनाते हैं उसके लिए सिंपल से, अभी हम पहले ग्लास में आइस क्यूब ऐड करेंगे। और
और ये हमारा जो खस सिरप है, ये मैंने 1 बिग स्पून खस सिरप लिया है, तो इसको डाल देंगे इसमें। ये खस सिरप बहुत ही स्वीट होता है, तो इसलिए हम इसमें पाउडर शुगर का यूज नहीं कर रहे हैं। एक चुटकी जीरा पाउडर डालेंगे और एक चुटकी ही हम ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें जो खस का अपना फ्लेवर है वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, तो इसलिए हम इसमें नहीं डालेंगे ज्यादा कुछ। और बस अब इसमें हम ये सोडा डालकर फिल कर देंगे। और एक स्पून से इसको भी हम मिक्स कर देंगे। और इसको भी हम एक लैम स्लाइस से इसको डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए हमारा खस मॉकटेल रेडी है। अपना ब्लैक कोला मॉकटेल बनाते हैं, जो बहुत ही सिंपल है लेकिन उसका टेस्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इसके लिए ग्लास में हम सबसे पहले आइस क्यूब डालेंगे, कुछ मिंट लीव्स, हाफ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट, हाफ इट 1/4 टेबल स्पून जीरा पाउडर, टू स्पून लेमन जूस, कुछ स्लाइसेस ये लेमन की डाल रही हूँ मैं। और अब हम सब से इसको फिल कर देंगे। थम्सअप या सोडा को आप ग्लास में जब डालें तो बहुत ही आराम से डालें, क्योंकि इसमें जो बबल्स आएंगे वो ऊपर तक आ जाते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा आराम से धीरे धीरे कर डालें। और इसको भी हम एक स्पून से मिक्स कर देंगे और इस तरह से मिंट लीव इसमें लगा देंगे साइड में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कोला मॉकटेल भी रेडी है। आप इनको जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स कर मुझे बताइए कैसी लगी है आपको।